हाय गाइस, वेलकम टू कागज़ गार्डन। आज मैं पॉट्स पेंट करने लगा हूँ और ये मैंने कुछ नए पॉट्स लाए थे क्योंकि विंटर्स की सीडलिंग मोस्टली अगस्त सितंबर में की जाती है, तो उसके लिए मैंने सोचा कि पहले से ही ला के मैं अपनी चीज़ें सारी तैयार करके रख लूँ। तो उसके लिए मैंने ये पॉट्स लाए हैं और इन पॉट्स को पेंट करने के लिए मैंने ये एक पेंट लाया है। ये पेंट है एक्सटीरियर, इंटीरियर और वाटर मैट। आप इसके लिए जो हाल एक्सटीरियर वाला होता है वो वाला भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये मुझे ज़रा सस्ता मिला, इसमें 3-in-1 थे। खैर, इन इसकी तो ज़रूरत नहीं इंटीरियर वाले की, लेकिन वाटर मैट की और एक्सटीरियर वाले की ज़रा ज़्यादा ज़रूरत रह जाती है। उन्होंने 3-in-1 इसलिए बना दिया कि चलो इनडोर भी आप इंटीरियर में भी कर सकते हो, इंटीरियर में कौन सा कोई पानी लगना तो वहाँ पर भी ये आपका चल सकता है। तो उन्होंने ज़रा इस तरह की एफिशिएंसी मारने के लिए इस तरह से किया। लेकिन हाल ही जो एक्सटीरियर वाले होते हैं, वेदर शील्ड होते हैं, जो वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, वो वाले पेंट आप यूज़ कर सकते हो। ये इसके ऊपर प्राइस तो लिखी हुई है 550, लेकिन ये मुझे मिला है 400 का। और इसमें कलर है ये वाला रेड कलर। रेड में एक्चुअली इसके पास दो ही शेड्स थी, एक ये बहुत ही लाइट रेड पिंकिश रेड है और एक बहुत ही वो मरूनिश ब्राउनिश रेड था। तो मैंने कहा ब्राउन तो इतने अच्छे नहीं लगेंगे, तो चलो ये रेड ये वाला ही ले लेते हैं। लेकिन ये कह रहा था कि थोड़ा डार्क होगा, फिर मैंने कहा कि पॉट भी जो है वो हल्का सा ब्राउनिश होता है, तो क्या पता वो लग के उसमें तो थोड़ा डार्क शेड इसकी आ जाए। अब इसे खोलते हैं और देखते हैं कैसी शेड है इसकी और पॉट के ऊपर लग गई है कैसे का लगेगा। हाँ, तो ये कुछ इस तरह का कलर है, थोड़ा पिंकिश शेड में है, लेकिन अगर रेडिश में होता तो ज़्यादा अच्छा लगना था। है कोई और ऑप्शन भी नहीं थी, क्या किया जा सकता है। और अभी इसको किसी आप बाउल में डाल के हल्का सा इसे थिन कर लो, क्योंकि ये काफ़ी थिक है। पॉट को जो है वो एक दफ़ा से साफ़ कर लो किसी ब्रश के साथ, किसी कपड़े के साथ, ऊपर से हल्का हल्का सा इसे साफ़ करके तो फिर इसके ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। अगर तो आप किसी पुराने पॉट के ऊपर कर रहे हो तो उसे तो वॉश करना हर ज़रूरी होता है, उसके ऊपर तो वो ग्रीन ग्रीन सी फंगस भी लगी होती है अक्सर पॉट्स के ऊपर, तो वो उस तरह से उसे साफ़ करना ज़रा ज़्यादा ज़रूरी रह जाता है। और दूसरा, अगर आप किसी प्लांट लगे हुए पॉट में कर रहे हो जिसके अंदर प्लांट लगा हुआ है, तो वो तो हल्की सी उसकी सरफेस मॉइस्ट होती है, तो हर क्या किया जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर भी कर दें अगर तो ठीक है। लेकिन अगर बेहतर यही है कि आप हाली पॉट के ऊपर करो, उससे अच्छी तरह से उसकी स्किन ड्राई हुई हो पॉट की, तो फिर आप उसके ऊपर करो तो वो आपका पेंट जो है वो ज़्यादा अच्छे से होता है। तो अभी मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, इसमें मैं थोड़ा सा निकाल के उसे थिन करके तो फिर मैं इसे अप्लाई करता हूँ। और इसका कलर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, अजीब सा कलर है इसका। तो अभी स्टार्ट करते हैं। पॉट को हमेशा जो है वो नीचे से स्टार्ट करना चाहिए, बॉटम से। माय गॉश, कैसा लग रहा है ये। पहला कोट जो है वो बहुत थिन करना चाहिए ताकि पेंट जो है वो अच्छी तरह से इसके पोर्स में चला जाए और उसके साथ आपके पेंट में ड्यूरेबिलिटी आएगी, क्योंकि जितनी मोटी लेयर लगाएंगे वो उतने मोटे पैचेस बन के ऊपर से बाद में उतरने लग जाएगा। तो ये इस तरह से एक कोट जो है इसके ऊपर कंप्लीट हो चुका है, जो कि बिल्कुल बारीक मैंने किया है, बहुत थिन किया है ताकि उसके ऊपर एक स्केल्स वाली लेयर ना बने। ये इस तरह से, नॉट बैड, इतना भी बुरा नहीं लग रहा है। अभी एक दो कोट और होगा तो फिर मज़ीद ये जो है इसका कलर वो अच्छा लगेगा। तो इसी तरह से इन बाकी सब को करके तो फिर मैं दिखाता हूँ। पॉट को पेंट कर लेने से वो थोड़ा ड्यूरेबल हो जाता है, उसकी लाइफ जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अगर पेंट के बगैर पॉट को यूज़ कर लिया जाए तो थोड़ी देर तो वो ठीक रहता है, लेकिन बाद में वो ऊपर से बुरबुरा होके टूटने लग जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता से वो सारा आपका ख़त्म हो जाता है पॉट। हाँ, तो दो कोट इनके कंप्लीट हो चुके हैं। अभी मैंने इन्हें उल्टा करके रखा हुआ है, अभी मैंने सारा इसे नीचे से किया पहले पेंट इन्हें, और अभी ये दो कोट इनके कंप्लीट हो चुके हैं। अब तीसरा कोट जब मैं सीधा करके ऊपर से रिम करूँगा और फिर ये फाइनल हो जाएंगे। अभी इनके ऊपर वाले रिम जो हैं इन्हें पेंट करेंगे, तो इसी तरह से दो कोट इनको कर देंगे। वैसे तो तीन कोट लिखा होता है इस कंटेनर के ऊपर, लिखा हुआ था इसके बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ था कि तीन कोट करें, लेकिन अगर तीन कोट नहीं भी करना चाहते, दो करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। तो इसी तरह से इतना इतना जितना जितना नज़र आना होता है उतना उतना अगर कर लिया जाए तो वो ठीक रह जाता है। हाँ, तो पेंट मेरा सारा कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा कलर लाइट है, मुझे कुछ खास पसंद आया नहीं है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, गुजारा तो करेगा ही। अच्छा, बात कर लेते हैं कुछ टेक्निक्स की पॉट पेंटिंग के हवाले से। वो ये कि पहली बात तो ये कि आप जब भी पॉट को पेंट करना हो, आप कोशिश करो कि आप
खाली पॉट को पेंट करो, और बल्कि आप प्रेफर यही करो कि जब आप नया पॉट लेके आते हो तो जब भी आप उसे पेंट कर दो। लेकिन कभी कभी जो होता है कि हम प्लांट लेके आते हैं तो उसके साथ पॉट होता है, तो हम चाहते हैं कि उसे पेंट कर लें, तो उसके लिए ये होता है कि पहले आप उसकी सरफेस जो है वो अच्छी तरह से क्लीन कर लो किसी ब्रश के साथ, उसे धो के वॉश करके तो उसे ड्राई कर लो। जितनी ज़्यादा ड्राई सर्फेस होगी उतना ज़्यादा पेंट की वो जो ग्रिप है वो उस पर उसके ऊपर ज़्यादा होगी। गीली सर्फेस के ऊपर हम करेंगे या नमी वाली सर्फेस के ऊपर हम करेंगे तो वो इतना ड्यूरेबल नहीं होगा जितना कि हम उसे ड्राई सरफेस के ऊपर करेंगे। अगर तो आपके पॉट में प्लांट लगा हुआ है तो आप उसे पेंट कर रहे हो तो फिर तो आप उसे इसी तरह से सीधा सीधा करके तो आप उसे पेंट कर दोगे ऊपर से चारों तरफ से, जिस तरह से भी जहां से भी आपको नजर आ रहा है, जहां से भी आप करना चाह रहे हो आप उस तरह से कर दोगे। लेकिन अगर आप खाली पॉट को पेंट कर रहे हो तो उसका तरीका यह है कि आप उसे पहले उल्टा करो यूं, और उसे आप नीचे से करो, क्योंकि ये वाली जो चीज़ है हमारी ये ज़मीन के साथ लगनी होती है। बारिश पड़ती है, नीचे से नमी होती है, तो यहाँ से जो पॉट है वो हमारा जल्दी ख़राब होना स्टार्ट होता है एज़ कम्पेयर टू ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। ये वाला पोर्शन भी ज़्यादा यूज़ होता है और ये वाला पोर्शन भी ज़्यादा यूज़ होता है, नीचे वाला और ऊपर वाला। सेंटर वाला जो है वो उस तरह से इतना नहीं होता है, क्योंकि जब हम ऊपर पानी देते हैं प्लांट इसके अंदर, हमने बाद में प्लांट लगा दिया फिर हम इसको ऊपर से पानी जब दे रहे हैं तो वो फिर यहाँ से सारा पानी से लगता है, तो वो लगने वजह से पॉट हमारा यहाँ से ख़राब होना शुरू होता है। तो इसलिए आप पहले अपना बॉटम सिक्योर करो, फिर उसके बाद दो तीन कोट यहाँ से करके, यहाँ से तो वॉल्स तो इसके साथ साथ फिर होती ही रहेंगी, तो उसको करके तो फिर आप इसे बाद में सीधा करो और फिर आप इसे अंदर की तरफ से करो। यहाँ से करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हम इतनी इतनी सी सॉइल भरते हैं और इतनी इतनी सी ऊपर पानी के लिए जगह छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे भी पानी लगना होता है। तो यहाँ पे जब जैसे कि मैंने इस पॉट को नहीं किया क्योंकि इसका रिम जो है वो उस तरह से नहीं बना हुआ था जिस तरह से इसका रिम बना हुआ है, यू नो ये एक वो एक नज़र आ रही है यहाँ पे, तो मैंने कहा कि चलो इसे इतना इतने कर देते हैं। लेकिन अंदर से इसे इतना इतना करने का ये होता है कि पानी जब लगता है तो वो डायरेक्ट पॉट की स्किन को नहीं लगेगा, वो पेंट को लगेगा, तो वो पेंट जो है वो उसे रिजिस्ट करेगा क्योंकि ये वाटर रिजिस्टेंट पेंट है, तो वो पेंट उसे रिजिस्ट करेगा तो उसके अंदर उसकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होने देगा। और नया पॉट भी जब आप लेके आते हो तो उसके ऊपर नर्सरी में उन्होंने रखा होता है, कच्ची जगह पे रखा होता है, उसके ऊपर डस्ट लगी होती है, कभी कभी तो मिट्टी भी जमी होती है, तो आप पहले उसे अच्छी तरह से अगर तो कपड़े से साफ़ कर लो, गीले कपड़े से उसे साफ़ करके बाद में उसे ड्राई कर लो, या अगर उसे कुछ ज़्यादा गंदा हुआ हुआ है तो आप फिर आप उसे वॉश भी कर सकते हो, वॉश करके ड्राई कर लो और फिर आप उसमें उसके ऊपर पेंट करो। कभी भी वो डस्टी सरफेस के ऊपर आप पेंट नहीं करोगे क्योंकि अगर वो देखने में हमें साफ़ भी लग रहा है लेकिन उसके ऊपर डस्ट पड़ी होती है तो फिर भी आप उसे हल्का हल्का कपड़े से साफ करके तो फिर आप उसे पेंट करो। डस्टी सरफेस के ऊपर भी पेंट की इतनी ग्रिप नहीं आती है। प्लास्टिक पॉट्स को पेंट करने के लिए हम ऑयल पेंट यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक पॉट्स को एज सच ज़रूरत होती नहीं है पेंट की, लेकिन अगर आप डेकोरेशन के लिए कलरफुल करने के लिए यूज़ कर रहे हो तो आप उसमें ऑयल पेंट्स यूज़ कर सकते हो। और हाँ, क्ले पॉट के ऊपर हम ऑयल पेंट यूज़ नहीं करेंगे, कर भी सकते हैं, ठीक भी रह जाता है, लोग करते भी हैं, लेकिन वाटर बेस्ड पेंट्स जो होते हैं ये क्ले पॉट्स पे ज़्यादा सूटेबल रह जाते हैं। तो ये इस तरह से हमारे पॉट्स जो हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक दो दो करके मैं जैसे जैसे प्लांट्स लगाता हूँ, फिर जो जो प्लांट लगाता हूँ फिर उस प्लांट के हवाले से उनमें बात होती रहेगी। और अभी इसे हम ख़त्म करते हैं, ठीक है? ओके गाइस, बाय।